काशीपुर में 13 माह के मासूम बच्चे की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। बच्चे की हत्या उसके पिता के ही साथ काम करने वाले युवक ने की थी। सहारनपुर के रहमानी चौक निवासी मोहम्मद नदीम ने बीते दिनों पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें उसने गांव के युवक पर अपने बच्चे को घुमाने फिराने के बहाने अपने साथ ले जाने का आरोप लगाया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आशु को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की तो उसने बच्चे की हत्या करना कबूल किया। आरोपी ने बताया कि वह नशे का आदी है। शराब पीने के कारण बच्चे की मां ने डांट लगाई थी, जिसका बदला लेने के लिए उसने बच्चे का गला काटकर झाड़ियों में फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर मौके से चाकू बरामद कर लिया है। 22 तारीख को हमारे पास 112 पर सूचना आई थी कि एक 1.5 साल का बच्चा, उसके पिता ने सूचना दी 112 पर कि वो मिल नहीं रहा है। उन लोगों की चैती में ही जूस की दुकान थी, वहां से ही एक इनके हेल्पर था, आशु नाम का लड़का, वो उसको लेके गया था आखिरी बार 8 बजे के करीब। उसके बाद से बच्चा मिला नहीं, तो रात को 2 बजे जब हमें सूचना मिली, उस पूरा बच्चे को खंगाला गया, पूरा ढूंढा गया आसपास के एरिया में। सुबह 6 बजे पर किसी ने सूचना दी कि बच्चा एक खाली मैदान में, 1.5 साल का बच्चा छोटा सा, खाली मैदान में मिला है। तो वहाँ फिर जाके जब कन्फर्म हुआ कि वही वो बच्चा था, उसके बाद पूरा उसे ढूंढा गया जो उसे लास्ट लेके गया था आशु। उसके बाद ये आशु आज हमें सुबह मिला है, इसकी अरेस्टिंग की गई है। और इसी ने ये बताया कि क्योंकि इसका थोड़ा सा विवाद भी चल रहा था इसके फादर के साथ बच्चे के, उसमें दहेज में और दारू के नशे में इसने कहीं ना कहीं बच्चे को पूरा जो गला था उसका वो कट कर दिया था। बट अभी बच्चा सेफ है और इसको हमने अरेस्ट कर लिया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।